वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आज चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि किसी भी रेशन नंबर को लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करनी है, दो रेशन नंबर दिए हुए हैं, टू रेशन नंबर के बीच 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 यानी उनके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करनी, ये पूरा डिटेल्स आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कतें नहीं हो। तो आज हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। जो क्वेश्चन में दिख रही है, ठीक है, जो क्वेश्चंस में दिख रहे हैं नंबर्स, ओके, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है। ओके, वेरी सिंपल है। तो क्वेश्चंस क्या है आपका, तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस जो है वह है, फर्स्ट में 7/4 और सेकेंड है -5/6, ठीक है। तो ये दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है। तो कैसे रिप्रेजेंट करनी है नंबर लाइन पे, वेरी सिंपल से, बहुत आसान है, लेकिन आप क्या करें, अच्छी तरह से समझें, ठीक है। मैं ऐसा ही बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इसके लिए पहले आपको जो है एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसा ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है दोनों तरफ का, जैसा दिखाया गया है। ओके, स्केल रखिएगा, स्केल से आपको करनी है। उसके बाद जैसा कि नोट्स हमने बताए थे, इसके बीचों बीच में, ठीक है, एक जीरो नंबर लेना है। कितना लेना है, जीरो नंबर लेनी है ये बीच वाला नंबर के सामने। ओके, और ये भी हमने बताया था कि ये हमारा कहलाता राइट साइड है, और ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड हमेशा पॉजिटिव नंबर लिया जाएगा और लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव नंबर लिया जाएगा, याद रखिएगा। राइट साइड हमेशा पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो फिर से मैं शुरू से बताता हूँ, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एनी दिया हुआ रहे, कोई भी रेशनल नंबर रहे, यहाँ पर जो दिया हुआ है 7/4, -5/6, 8/7, 9/8, 7/10, 10/9, कुछ भी एनी रहेगा, उसे बहुत आसानी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। तो इसे करने के लिए सबसे पहले जैसा कि हमने बताया, एक लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर एकदम सीधी होनी चाहिए, आपका स्केल से लिखना है, मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए मेरा सीधा नहीं बन रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। तो स्केल से आपको करना है, क्या चीज़ से करनी है, स्केल से करनी है। ओके, और सबसे इसके बीचों बीच में एक लाइन नंबर लेनी है जीरो, जीरो के बाद ऐसे कुछ लाइन बने रहेंगे, ये आगे तक जा सकती है, ठीक है। इसके जस्ट लेफ्ट में ये राइट है और ये लेफ्ट है, लेफ्ट में भी ऐसा ही करनी है। ओके, और राइट में हमेशा पॉजिटिव लेनी है, जैसे 1, 2, 3, 4 आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितना तक आपको चाहिए आप नंबर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि लिमिट है इसका। उसी तरह से लेफ्ट साइड में हम देखेंगे ये साइड में, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 इस तरह से आप जितना नंबर चाहें आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई निश्चित नहीं बताएगी, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया, पहले एक क्या करना है, पहले एक लाइन खींचना है,
लाइन में आपको दिखना है कि हमारा राइट साइड कौन है, लेफ्ट साइड कौन है। तो आपको तो पता है जो हाथ से आप लिख पा रहे हैं वो राइट हैंड हुआ, और जो उसके जस्ट अपोजिट लेफ्ट हैंड हो गया। तो उस पर नंबर नोट कर देनी है, ठीक है। बीच में जीरो लिखना है, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करनी है। ओके, अब यहाँ पर देखना क्या है कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। ओके, तो वेरी सिंपल्स है, मैं अब फिर से इसको एक रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। तो देखिए करना क्या है, अभी हमने जस्ट बताया एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद मान लिया जाए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7/4 है ना, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से हम जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, मान लिया हमारा क्या है, जीरो है। तो ये क्या होगा, आगे तक जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, जीरो है ना, तो 0/4 हो गया। ये डिनोमिनेटर कितना है, 4 है ना, इसका 4 है, तो ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। ये कितना हो गया, 2/4 हो गया। ये कितना हो गया, 3/4 हो गया। ये कितना हो गया, 4/4 हो गया। ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5/4 हो गया। ये कितना हो गया, 6/4 हो गया। आगे तक इसे लेके चले जाएंगे, जैसा कि हमने बताए थे, मान लिया ये 7 है, तो 7/4 हो गया। अब जहाँ पर देखिए ये नंबर कहाँ मैच किया, तो यहाँ पर आकर जाकर मैच किया। तो यहाँ पर कोई एक नंबर आप लिख दीजिए, ए है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट हो गया, वेरी सिंपल है ना। मैं फिर से बताना चाहता हूँ इसको, ठीक है, मैं फिर से बताऊँगा, बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, वेरी सिंपल्स है, कोई दिक्कत नहीं है नंबर पे रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले क्या करनी है, एक लंबा लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ओके। उसके बाद कितना को करना है, तो आपको 7/4 को रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो राइट साइड, आखिर ये पॉजिटिव नंबर है ना, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम पॉजिटिव की ओर ओनली लिए हैं, नेगेटिव रहेगा हम नेगेटिव की ओर लेंगे। तो ये कितना हो गया, मान लिया ये सपोज दैट कितना है, जीरो है, तो 0/4 हो गया। जीरो बढ़िया से लिखना है, आप लोग कुछ और समझ जाएंगे। 0/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो गया है, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने 2/4 हो गया, 3/4 हो गया, 4/4 हो गया, है ना, 5/4 हो गया, 6/4 हो गया, 7/4 हो गया, 8/4 हो गया, 9/4 हो गया। तो आपको कितना को रिप्रेजेंट ओनली दिखाना है, तो 7/4, तो 7/4 कहाँ, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप एक नंबर लिख दीजिए ए, बस कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम बी सेकंड को बताएंगे, ठीक है। सेकंड में क्या है, सेकंड में जो क्वेश्चन है, -5/6 है, ठीक है। तो ऐसा ही एक लंबा सा लाइन हम खींच लेंगे, है ना, और हम इधर की ओर चलेंगे, क्योंकि हमको लेफ्ट दिखाना है। क्यों लेफ्ट दिखाना है, तो ये नेगेटिव था, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप कुछ भी ले सकते हैं, आगे तक ले सकते हैं। तो कितना हो गया, 0/6, फिर कितना हो गया, -1/6, फिर -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, वो 6 है ना, 6, -6/6, -7/6। तो आपको रिप्रेजेंट कितना कॉनली को करना है, -5/6, कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, तो यहाँ पर कर दीजिए ना, ये क्या हो गया, ए,
समझ में आया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इसको जो हमने बनाया है स्लाइड में हम वो देख लेते हैं। ठीक है, स्लाइड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है उसको अपना स्लाइड में दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका क्वेश्चन क्या थी, 7/4, जैसे हमने बताया था क्या था, 7/4। ओके, तो जैसा हमने बताया था जस्ट ऐसा ही आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया जो आप देख पा रहे हैं, किए ना। अब उस पर क्या करना है, अब आपको उसमें जो है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम पॉजिटिव की ओर यहाँ ले लिए हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आगे तक आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या हो, 7/4 था, तो 0/4, 0/4, 0/4, 1/4 हो गया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, इस तरह से सभी को रिप्रेजेंट करना। और देखना ये है कि आपको ये जो नंबर है कहाँ पर जाकर मैच कर रहा है, तो आपका मैच कहाँ कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डॉट छोटा सा ऐसा लगा दीजिए और वहाँ पर रिप्रेजेंट ए कर दीजिए, बी कर दीजिए, सी कर दीजिए, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पर डिपेंड करता आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखिए उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना है कि हेयर पॉइंट ए रिप्रेजेंट 7/4 ऑन द नंबर लाइन ओनली, बस इतना ही लिखना है। तो बहुत आसान है ना ये समझना, वेरी सिंपल है, ऐसा बहुत हार्ड नहीं है। आपको वीडियो को अगर अच्छी तरह समझ करके पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हम जब चेक करेंगे तो देखते हैं क्या हमारा है, -6 को दिखाया गया है, कितना दिखाया गया, -5/6 को, जो कि हमने पहले भी इसको रिप्रेजेंट करके शो कर दिए हैं। क्या करना है इसको, है कितना है, -5/6। तो हमने बताया था ये लेफ्ट साइड का है, क्यों लेफ्ट साइड का है, क्योंकि नेगेटिव में है। ठीक है, तो नेगेटिव वालों को हम क्या कहते हैं कि भाई नेगेटिव लेफ्ट साइड वाले चला गया है ना। तो ऐसा ही देख लीजिए, 0 लिया गया है, 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट क्या करनी है, आपका दिया हुआ कितना, -5/6 है, कितनी है, -5/6 है, नेगेटिव है, नेगेटिव क्या, तो 0/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6, इस तरह से आगे तक गया। आपको ये अब चेक करना है कि जो मेरा ये नंबर जो दिया हुआ है -5/6 यहाँ कहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब वेरी सिंपल से कहाँ पर ये मैच कर रहा है, ये आपको हमने जस्ट बताया था कि देखेंगे भाई यहाँ मैच ये कर रहा है नंबर, तो यहाँ पर क्या करना है, डॉट देना और बी लिख देना है। ठीक है, बस रिप्रेजेंट, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख देना है कि पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स -5/6 ऑन द नंबर लाइन। ओके, वेरी सिंपल है ना। इस तरह से चाहे आप तो आप खुद से बहुत सारे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ चाहें, आप अगर चाहें तो नंबर को रिप्रेजेंट करके भी शो कर सकते हैं। हम जैसे थर्ड नंबर हम यहाँ क्वेश्चन अगर दे दें आपको कि बताइए -7/6 को रिप्रेजेंट करने है, फोर्थ है 3/4 को करना है, ठीक है, 5 में हो गया 6/7 को करना है, ठीक है, 6 में क्या करना है, -8/7 को करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को आप रिप्रेजेंट करने, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं। जितना आप, मैथ का एक रूल है, मैथ जो है जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, मैथ उतना ज़्यादा आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही बताना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में जो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हम कहेंगे कि
यानी कोई रेशनल नंबर्स दिया हुआ रहेगा, उसके बीच में हमें कितने नंबर फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करनी है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। ये तो वीडियो बड़ी हो जाती है और थोड़ा अपलोड करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।